अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:45, और इतनी सुबह व्लॉग को स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है, आवाज़ आप सुन रहे होंगे, मेरे पीछे आवाज़ आ रही होगी। आज है ईद का दिन और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का हमारा जो व्लॉग है वो होने वाला है ईद से रिलेटेड। आज के व्लॉग में जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा कुछ ईद से रिलेटेड होगा। अभी मैं यहाँ से चलूँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर ईद की नमाज़ कैसे क्या होती है, मस्जिद में होती है या बाहर होती है, वो सारा कुछ मैं आपको, यहाँ का माहौल जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ आज आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा। और ये यार मेरा पहली बार होगा जब मैं ईद की नमाज़ या ईद का जो माहौल है वो आज मैं पहली बार आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी नहीं दिखाया। इससे पहले वाली जो मेरी ईद थी उसमें मैं ड्यूटी पर था, इस वजह से मैं पूरा आपको व्लॉग दिखा नहीं पाया था। यहाँ का जो भी माहौल रहता है ईद के दिन, कैसे क्या नमाज़ होती है, वो सारा कुछ नहीं दिखा पाया था। चलो आज मैं वो सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। ओके अभी गाइज मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैदान, ये इस मैदान में पहले ईद की नमाज़ होती थी। ये जो मैदान है यहाँ पर, जहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, और ये एक जो मैदान है यहाँ पर पहले ईद की नमाज़ होती थी। लेकिन अभी ये जो मैदान है यहाँ पर जो है ईद की नमाज़ बंद हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जब से कोरोना आया ना, कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था। ईद की नमाज़ बाहर ये मैदान में बंद हो गई, उसके बाद में जितनी भी मस्जिद थी उनमें भी नमाज़ बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद से अभी मस्जिद में नमाज़ चालू हुई है। मैदान ये जो है यहाँ पर अभी भी जो है ईद की नमाज़ स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं क्या रीज़न है। अभी जितनी भी नमाज़ होती है ना ईद की, वो सारी जो है यहाँ पर ज़्यादातर मस्जिद में ही होती है, कुवैत में। मैं कुवैत की बात कर रहा हूँ। चलो अभी यहाँ से हम चलेंगे किसी एक मस्जिद में जहाँ पर हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, और वहाँ पर कैसा माहौल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके अभी ये देखो, जितने भी सुबह का टाइम है सारे लोग जो है कोई ना कोई अलग अलग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ईद की। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है ना, सब लोग जो है ईद की नमाज़ या जुमे की नमाज़ जो भी है वो मस्जिद में पढ़ सकते हैं। देखो कुछ लेडीज़ भी जा रही हैं, कुछ जेंट्स भी जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं यहाँ पर। तो अलग अलग मस्जिद में ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी गाइज मैं यहाँ पर आऊँ, ये एक फाहिल में पाकिस्तानी मस्जिद है जहाँ पर मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर अभी पूरी मस्जिद भरी नहीं, धीरे धीरे पब्लिक आ रही है यहाँ पर। चलो अभी हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। ओके अभी गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ के दौरान कुछ इस तरीके का माहौल रहता है। इमाम साहब अपनी स्पीच दे रहे हैं और सारे लोग आराम से बैठे हैं। मैं यहाँ पर कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत खाली शूट करना था आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर कैसा क्या माहौल रहता है। और इमाम साहब हमारे यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ की मस्जिद देख लो यार, कितनी खूबसूरत यहाँ की मस्जिदें होती हैं। पहले भी मैं आपको अपने कई ब्लॉग में बता चुका हूँ और आज आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ। देख लो यहाँ पर कितनी खूबसूरत यहाँ की मस्जिदें होती हैं। अभी गाइज यहाँ पर ईद की जो नमाज़ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और सारे ही लोग अपने जान पहचान के जिनके जो भी हैं वो सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और मस्जिद के बाहर मैं जैसे ही निकला तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल था। ओके भाई लोग, तो जस्ट अभी मैं यहाँ से मस्जिद से निकला हूँ ईद की नमाज़ पढ़ के, और अभी मैं मस्जिद के बाहर में हूँ। ईद की नमाज़ हो गई, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया मस्जिद के अंदर से रिकॉर्ड करने का, थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया। ये कुछ यहाँ पर था मस्जिद में ही ज़्यादातर। अभी यहाँ पर कुवैत में, कुवैत की जो मस्जिदें होती ना वहीं पर जो है ईद की नमाज़ होती है। पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर बड़े बड़े जो मैदान होते ना वहाँ पर जो है ईद की नमाज़ होती थी, लेकिन वहाँ पर कोरोना के बाद से अभी तक जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक जो है यहाँ पर मस्जिद में ही ईद की नमाज़ होती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की। अभी हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर मेरा मामू का लड़का भी रहता है। उसके पास मैं जाऊँगा और वहाँ उससे मुलाकात करेंगे, उसके बाद में फिर हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे और फिर मैं जाऊँगा अपने रूम पे। ओके एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पर मैं आया था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है फाहिल में एक पाकिस्तानी मस्जिद के नाम से मस्जिद जानी जाती है, सब इसको पाकिस्तानी मस्जिद बोलते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अभी भी हैं यहाँ पर, सेल्फ़ी के तौर चल रहा है, कुछ लोग मिलजुल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो है सेल्फ़ी ले रहे हैं। अभी हम यहाँ से चलते हैं। ओके यहाँ पर ये देखो, कुछ लोग जो है दूसरी दूसरी मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर के आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी यहाँ पर बाहर जो है, ये जो
यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा दूँ इसको बोलते हैं बकाला, यानी अपने इंडिया में जो परचून की दुकान होती है ना, किराने की दुकान, उसको यहाँ पर अरबी में बोलते हैं बकाला। ये आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। तो यार यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि यहाँ की जो लाइफ है ना, यहाँ की कुवैत की लाइफ और इंडिया की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ के त्यौहार मनाने में और इंडिया के सेलिब्रेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो है ईद ईद हो या बकरीद हो या कोई भी फेस्टिवल आता है ना, उसमें आदमी एकदम 3 4 दिन एकदम आराम से एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर यार उल्टा सीन है। उल्टा सीन ये है कि अभी यहाँ पर ईद का दिन है ना, तो आज के ईद के दिन भी मुझे शाम को यहाँ पर ड्यूटी जाना, यानी यहाँ पर जो है सरकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 या 4 दिन की छुट्टी है, मेरी 3 दिन की छुट्टी है। लेकिन वो जो 3 दिन है ना ईद के छुट्टी के, उसमें भी मुझे काम करने के लिए जाना है, उसका भी डबल पैसा मिलता है। लेकिन यार जो इन्जॉयमेंट है ना वो तो रह ही जाता है ना। तो आज ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये ईद की नमाज़ मुझे यहाँ पर मिल गई, लेकिन आज भी मुझे शाम को ड्यूटी पर जाना, यानी मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। तो ये है फ़र्क इंडिया में और यहाँ पर। ये रही लिफ्ट और ये रहे हम। अभी मैं जा रहा हूँ अपने मामू, मेरे मामू का लड़का यहीं पर रहता है, तो उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उससे मिलेंगे, उसके बाद में फिर हम अपने रूम पे जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मिल रहा यार, ईद मुबारक। सो गाइज, ये आ गई दही फुल्की, इसको आप क्या बोलते हैं मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको हमने खाया, उसके बाद में कुछ बातचीत की मामू के लड़के के साथ में, उसके बाद में हम निकल गए बाहर। तो आज के इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने यही कोशिश किया कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर कैसे क्या ईद की नमाज़ होती है और यहाँ पर लोग ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको यार लाइक कर देना। अभी यार मेरा मन तो है यहाँ पर बाहर जा कर के घूमने का, लेकिन क्या करें, अभी शाम को ड्यूटी भी है और दूसरी बात यह है कि रात का मैं जगा भी हूँ, तो अभी ठीक से मैं सोया भी नहीं हूँ। तो जा कर के अभी यहाँ पर सोएंगे, उसके बाद में शाम को ड्यूटी भी है। सो उसके बाद में देखेंगे, अगर कहीं जाएंगे बाहर तो वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा, अगले व्लॉग में। फिलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप कभी यहाँ पर कुवैत में या कहीं भी गल्फ कंट्री में आप रहते हैं और वहाँ से आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे यार कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।